नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरी वन. कैन यू जस्ट ध्रुविश चेक इज दिस ऑडिबल एंड कैन यू वॉच द स्क्रीन. और हार्दिक जो ऑडिबल एंड विजिबल. अच्छा, ओके, फाइन. गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन. आई नो दैट इट्स वेरी यू नो डे बाय डे इट कम्स बोरिंग टू यू नो रीड एंड एग्जीक्यूट बुक एवरी वीक, बट दैट्स हाउ वी गो. यू नो इट्स नॉट द lame who goes, it's just a tough who goes on and on. So this book, when I read the topic radical generosity, it clicked my mind. You know, overall on the life we have a lot of things, means you know, we have been born by the supreme power, you say God, you say universe. So wo sab log jo hum baat karte hai wo wahi hai jo has been extremely generous. हम नेचर की बात देखें तो नेचर हैज़ बीन एक्सट्रीमली जेनरस राइट फॉर अस. इट ओनली गिविंग 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 लाइक इट कैन बी प्लांट्स, इट कैन बी वाटर, इट कैन बी एयर, इट कैन बी माउंटेन्स, इट कैन बी लॉट ऑफ स्टफ्स. सो व्हाई जेनरोसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो एम जे रायन हैज़ रिटन वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक कंपाइलेशन ऑफ बींग जेनरस इन लाइफ. सो आई थॉट दैट let us go with this time where you know human race is in problem. People are looked up to be generous more rather than to be cunning. So hum chahte hain ye book maine padhne ke baad mere life ke bahut sare ansh hai bahut change ho gaye hai ki maine meri hi thoughts ko challenge karna chalu kar diya hai. So nine, let us put some stuff onto this area, and I'm sure that once you will understand this book, you will feel lot of connection to connection for the book, connection for what we have learned, and connection for lot of things which is so important in life. So let's deep dive into it before starting to it. So I have been lately following there is a actor called Sonu Sood. So जिसको नहीं पता है वो मेरे हिसाब से इंडिया में अगर किसी ने सबसे बढ़िया जेनरसिटी दिखाई है ये कोविड के टाइम में तो दैट वुड बी सोनू सूद. सो अगर किसी को नहीं पता हो तो सोनू सूद ने लाखों मजदूर लोग जो काम करते हैं या फॉर एग्जांपल लेबर क्लास है जिसको घर जाना है, जैसे जैसे जनरली यूपी बिहार झारखंड कर्नाटक से आते हैं, लाखों लोग को अपने घर भेजा उसने और अपने पैसे से भेजा, किसी की सहाय के बिना भेजा. एंड मीन्स लोगों ने जो उसके सामने प्रेम दिखाया, लोगों ने मीन्स उसका जो सामने नो जब हम अच्छा चीज करते हैं तो सामने जो प्रेम मिलता है वो दैट वाज अनएक्सेप्शनल. मेरे हिसाब से सोनू सूद को भी नहीं पता होगा कि उसको इतना प्यार मिलेगा और बस अपनी बस चलाई, अपनी बस यानी फॉर एग्जांपल बस लेके लोगों को भेजा. एवरी बस कॉस्टेड हिम समवेयर अराउंड वंस टू गो एंड कम डाउन वाज समवेयर अराउंड 2-3 लाख रुपीस. दैट इज अगेन नॉट वेरी चीप इन दिस डेज. और सब कर सकते थे, मे बी गवर्नमेंट कर सकती थी, बड़े बड़े फिल्म स्टार कर सकते थे. सोनू सूद हम बिलीव कर सकते हैं वो इतने बड़े फिल्म स्टार नहीं है जितने जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान है, पर ही डिड समथिंग विच आई वाज रियली टच्ड फॉर. सो आई हैड कमिटेड वंस ऑन ट्विटर टू हिम दैट आई विल नाउ वर्क मोर फॉर पीपल जनरोसिटी. सो एग्जांपल ऑफ लेबर, सो हम एक्सट्रीमली हम वर्कआउट करते हैं कि भाई हम मेड्स की बात करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये टाइम पे मेड्स नहीं आते थे तो मेड्स ने बोला कि ये दे विल टेक मोर मनी यू नो दिस मंथ. मीन्स तो मेरी वाइफ ने बोला कि ये तो 10 दिन ही काम करने आई है, हम क्यों महीने का पे करें. सो समवेयर अराउंड टू द वर्ल्ड वी हैव बीन टॉट दैट बीइंग एक्सट्रीम जेनरस इज स्टुपिडिटी. कि हम बहुत जनरस हो जाएंगे तो लोग सोचेंगे कि हम तो बेवकूफ है, यू नो थोड़े तो कनिंग वो होने ही चाहिए, जिसको हम गुजराती में बोलते थोड़ा लुच्चा हुआ जो ये वो जनरस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरस ना रहे जो है लोगों ने ना करो जो ये. सो दिस आर ऑल द स्टफ्स व्हिच कम्स टू आवर सोसाइटी. सो व्हेन आई वाज सेंडिंग दिस इनविटेशन टू पीपल माय लाइन वाज दिस दैट यू नो इन द वर्ल्ड वी हैव स्टार्टेड बीइंग टॉट नॉट टू बी जनरस, to be bit cunning. So for example, my daughter, when she was right now, she is 10 years old. So when she was 2 or 3, when somebody came to our car and asked for some money, she was always like onto the front that, you know,
प्लीज टेक मनी और मे बी शी इज एन आइस इटिंग एन आइसक्रीम और एनी थिंग शी वॉन्ट्स टू गिव बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मी एंड माई वाइफ हैड टॉट हर दैट यू नो एवरीबडी एवरीबडी हू कम्स टू आस्क यू दे कुड नॉट बी द राइट पर्सन सो मे बी दिट वॉज अ बैड पेरेंटिंग दिस इज समथिंग विच इज क्वेश्चनेबल बट या दिस हैज बीन हैपन एंड आई एम श्योर कि आपकी भी लाइफ में ऐसा कहीं ना कहीं हुआ होगा सो किड्स एंड बैगर्स जो मैंने बोला कि जनरली किड्स आते हैं तो जैसे मैं हर बार बहुत बड़े लोगों को ये पूछता रहता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बैगर या कोई नीडी लोग अपनी वहाँ पे आए तो अपने को क्या करना चाहिए जैसे एक थॉट देता है कि हमको दे देना चाहिए दूसरा थॉट देता है यार अगर हम दे देंगे उसको तो हम आदत डलवा देंगे उसको कि भाई ये तो फिर मांगना ही चाहिए थर्ड ये थॉट आता है कि नहीं यार हम क्यों दे उसको हम भी मेहनत कर रहे हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं तो हम कहाँ पे हमारा पैसा थोड़ी झाड़ पे उग रहा है सो ये सब बहुत थॉट आ रहे हैं मैंने बहुत लोगों को पूछा था कि जो मुझे ऐसा लगता है ये सब ये लोग एक्सपीरियंस्ड है ज्ञानी है ये लोग ने लाइफ देखी है दुनिया देखी है पर किसी के पास इसका राइट आंसर नहीं था सबकी अलग अलग खुद की फिलोसॉफी थी यार किसी ने मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन उसको मैंने पूछा था तो उसने बोला था कि यार मैं तो दे देता हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कोई भी मेरे पास मांगने आया तो वो भगवान ने मुझे भेजा है मैं उसको दे दूंगा किसी ने मुझे ऐसा बोला नहीं देना चाहिए क्योंकि हम उसकी आदत डाल रहे हैं वो कुछ लाइफ में करेंगे नहीं और फिर भीख ही मांगेंगे और हमने एग्जाम्पल भी ऐसे हमारे आजू बाजू देखे है कि भाई वो उसकी ये उसकी गैंगी होती है जो आती है पैसा मांगने और वो उसका मेन मेन काम ही ये है कि पैसा मांगना सो इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है और ये बुक में भी नहीं था एग्जाम्पल ऑफ गॉड एंड नॉट हैप्पीनेस एंड एग्जाम्पल ऑफ नेचर मीन्स ये हमने सब बात की सो दिस वॉज माई लाइफ ऑफ जेनरोसिटी माई क्वेश्चन ऑफ ऑलवेज टॉकिंग एंड आई ऑलवेज थॉट दैट इफ we can give something more to people so if we can serve to the society or if we can give make value addition to the society it can be through a book review which maybe is not a money concern but it is a society changing concern like today every book review we get a reviews of more than 1000 2000 people 3000 people looking at it it could be via book review or it can be via Facebook or it can be via YouTube or it can be via Zoom so it is also generosity or maybe somebody who is coming to me and he needs or she needs money so it can be but there are certain times you also know that he or she is making fool of you but is that right to give money or is this right to give value creation to him or her so these are the questions which we may try to find in this book सो लेट अस अंडरस्टैंड बेसिक्स ये बुक में एग्जाम्पल्स और कोट्स बहुत है सो मैंने बहुत कंटेंट नहीं लिया है पर मैंने ज्यादातर स्टोरीज ली है जो शायद कहीं पे अपने को कनेक्ट हो सकेगी वी मेक अ लिविंग बाय व्हाट वी जस्ट अ सेकंड आई विल पुट अ प्रेजेंटर टू इट वी मेक अ लिविंग बाय व्हाट वी गेट बट वी मेक लाइफ बाय व्हाट वी गिव सो ऑलवेज दिस वॉज बीन टोल्ड बाय नॉर्मन ऑलवेज इट इज वेरी मीन्स आई वॉज बीन टॉट बाय माई ग्रैंड फादर हु हैड बीन वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशन फॉर मी ही टोल्ड मी ऑलवेज वन थिंग दैट यू नो बाय गिविंग यू नेवर गेट पुअर यू शुड ऑलवेज गिव इफ यू कैन गिव And it's not only money or wealth, it can be your time, it can be your energy, it can be your knowledge, it can be anything which you have and you can give that you should give. Because if you don't give, it can be blurred also. Like, so one of my ex-boss father was a big believer in blood donation. So he told always to people across that if you don't give blood, if you don't donate blood, that blood will go out when you meet for an accident. You know, he had this different analogy totally that you need to give a blood donation. So from that, I started blood donation. So anything which you can give is there to be given because the people who created, so there are people who don't believe in God, that's okay. The people who believe in God like me, So I believe that there is somebody who created us. He had given something more to what they had. So why don't we give them more to what we have? So over the period of time, hum life mein itne ho jate hai na ki hum kisi ko kyun de, ye sab mera hai. At the end of the day, we know that nothing is ours. You know, it is just by what value creation you can give to people. Either it is business, it is life, or it is maybe any financial position. Above all, let us never forget that an act of goodness is the act of happiness. Means eventually, ye book se maine sabse bada sikha hai. कि अगर आपको कुछ भी चाहिए जैसे फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस चाहिए
अगर फॉर एग्जाम्पल मनी चाहिए तो यू शुड ट्राई टू गिव दैट थिंग टू पीपल एंड इवेंचुअली इट गेट्स बैक टू यू राइट. फॉर एग्जाम्पल इफ वी डू समथिंग गुड फॉर पीपल लाइक फॉर एग्जाम्पल आई डू बुक रिव्यू राइट. सो मैं ये बुक रिव्यू खुद भी पढ़ सकता था, ये खुद भी कर सकता था, मेरे नॉलेज अपने पास रख सकता था. ये क्यों कर रहा हूँ मैं एवरी फ्राइडे एवरी सैटरडे. बट यू नो व्हेन आई डू इट माय हैप्पीनेस इज नॉट ओनली व्हेन व्हाइल रीडिंग बुक, द हैप्पीनेस इज मोर यू नो मोर व्हेन आई व्हेन पीपल टेल मी दैट यू नो दिस थॉट हैज चेंज माय लाइफ रोहन. सो दिस दिस वैल्यू क्रिएशन मेक्स सेंस. सो व्हेन एवर फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट बुक रिव्यू इफ यू फाइंड दिस बुक रिव्यू एंड इफ यू थिंक दैट दिस बुक रिव्यू हैज चेंज योर लाइफ, डू गिव इन्विटेशन टू पीपल अक्रॉस इन योर लाइफ विच इज विच नीड्स a knowledge abundance into it, and maybe they would tell you that oh my god this book review has changed my life, and that's how the world works. Happiness has been steadily declining. There are many reasons for this. The world is increasing more complex and challenging. We all have sorts of economical and so over the period of time every 10 years the happiness index of human goes down. Now this has been because of so many reasons. It can be social changing, political, COVID आ गया, लोगों के पास पैसा कम है, government ये है, government वो है, competition high है. It can be thousands of reasons. But the biggest reason people is that people are getting less generous to the last decade. So for example आप पूछ लो अपने आप से कि आपके पापा जितने generous है उतने हम नहीं है. पापा यानी पापा की एज के, और आपके दादा जो थे उसके दादा थे. तो हम कहीं ना कहीं एवरी जनरेशन इज गेटिंग लेस जेनरस टू पीपल. जेनरसिटी इज मदर ऑफ काइंडनेस. वी कैन बी जेनरस व्हेन वी गिव अवर नॉलेज अवर अवेयरनेस अवर एम्पैथी और मे बी अ कंट्रीब्यूशन टू एनीवनस लाइफ. नो जॉय कैन इक्वल द जॉय ऑफ सर्विंग अदर्स. साई बाबा हैड टोल्ड अस दैट यू नो इफ यू सर्व पीपल इट इज द बेस्ट जॉय. सो देयर इज एन एग्जांपल इन द बुक which will come ahead that I'll just take it when it comes, right? So that would be the right one. The gifts of radical generosity boost us. The realize the making someone else happy creates happiness the fastest. For example, you know, a small thing, you know, like I have this habit, you know, when I like something about a certain person, I generally praise them. You know, it can be like, for example, a guy who is just driving my favorite car on the road. And I tell him that, you know, it's like, I don't stop him, you know, because he's driving his car, I'm driving his car, and I'll just tell him that, you know, it's a fantastic car. So he would be so happy, right? For example, because most of the people drive a car just to show people that, you know, it's a fantastic car, and somebody comes to you and tells that, oh my God, it's a fantastic car, it's my dream car. People gets very happy. Eventually, you also get very happy because you praise someone. So for example, If you decide every day, which I would like to tell you that you should do it, is that every day if you decide that you will praise one people every day, one person or one services every day. Like I'll give you an example, like we are into this SNS building on our office. So, you know, most of the people, the flat holder or the building holder calls the broker because of any complaint, right? So one day I called up Bhavesh Bhai, the owner of SNS one. So I told him that, you know, I just want to praise you for one thing, that the security staff you have kept in the society is A-notch. And I would really appreciate that you have done this, though the building is not full, but still on your cost, you have done it. And I really appreciate you. So now this has made, eventually, I don't know what he has been made, taken as a compliment or he was happy or not. But I was extremely happy that I have done something good for people. And when you do it, eventually somewhere in your subconscious mind, you create that germ of happiness. And I think so eventually the apna yahi karya hai to be happy, right? I believe so. There is a wonderful mystical law of nature that the three things we crave most in life is means three hum hamesha chahte hai zindagi mein. वो हैप्पीनेस, खुशियाँ, फ्रीडम, आज़ादी एंड पीस ऑफ माइंड, शांति. सो ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. हैप्पीनेस, खुशियाँ, आज़ादी और पीस ऑफ माइंड, शांत रहना है माइंड को. आर ऑलवेज अटेंड बाय द गिविंग देम टू समवन एल्स. और अगर आप लोग को लगता है कि ये तीन चीज से ज्यादा कोई चीज और इम्पोर्टेंट है, तो अगर ये तीन चीज आपके पास चली जाएगी तब आपको पता चलेगा. मीन्स हमने जब हम फाउंडेशन हमने चालू किया था, तब हमने एक रिसर्च किया था कि कितने लोग होते हैं जो पैसे से पैसा होने के बावजूद भी खुश नहीं है. सो नियरली अबाउट 82% पीपल वेर देयर दैट इफ मनी वाज आल्सो देयर दे वर नॉट हैप्पी. मींस इवेंचुअली ये जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, मेरे हिसाब से सब हम पैसे वाइज बहुत डिसेंट है. मीन्स सब अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से निकाल रहे हैं. एटलीस्ट सबके पास अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज है, अच्छा अच्छा इन्वेस्टमेंट्स है. तो
तो भी हम खुशियाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये तो चीज श्योर है कि पैसे से ही खुशियाँ मिलनी वो जरूरी नहीं है। हाँ, इट कैन बी द रीजन ऑफ हैप्पीनेस, बट इट इज नॉट ओनली द रीजन ऑफ हैप्पीनेस। इट्स द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ दैट ह्यूमन कैन सिंसियरली ट्राई टू हेल्प अनदर विदाउट हेल्पिंग हिमसेल्फ। मिशिगन रिसर्चर हु स्टडी 2700 पीपल, 2700 पीपल को मिशिगन यूनिवर्सिटी ने स्टडी किया फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर, 10 साल तक, फाउंड दैट मैन हु रेगुलरली डिड वॉलंटियर वर्क हैड डेथ रेट्स। मीन्स जो भी लोग वॉलंटियर वर्क कर रहे थे किसी के, मीन्स कोई सोशल ग्रुप में या कहीं पे किसी को खाना देना या कहीं पे कुछ भी करना दे रहे थे, वो उसकी डेथ रेट बहुत कम थी वो लोगों से जो हेल्प नहीं कर रहे थे, जो वॉलेंटरी कुछ ना कुछ कर रहे थे लोगों की सेवा करने में। हमारे यहाँ पे लोग भंडारा करते हैं, लोग कहीं ना कहीं लोग ऐसा कुछ करते हैं, लोगों को, गरीबों को खाना देते हैं। अभी मैंने बैंगलोर की एक फाउंडेशन है, वो करती है कि जो लोग जो पागल होते हैं या रोड पे ऐसे ही घूमते रहते हैं, जो लोग के पास कुछ नहीं है, हमको भी बहुत लोग मिलते हैं ऐसे रोड में, वो लोगों को वो केयर टेक करते हैं, वो लोगों को वो खाना देते हैं, वो लोगों की वो डॉक्टर के पास इलाज करवाते हैं। सो दिस आर ऑल द पीपल हु वॉलंटरी डज इट। देयर इट्स नॉट फॉर मनी, बट इट्स फॉर द ग्रेट लाइफ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, देर आर सो मेनी, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे सूरत में है एक मुझे नाम नहीं याद है, अगर आपको नाम याद है तो आप चैट बॉक्स में लिखना। आई थिंक सो इट इज पी से नाम है, जो वो बर्ड्स नेचर कैंप, बर्ड्स की बर्ड्स का काम करती है, जो फॉर एग्जाम्पल उत्तरायण में बर्ड मर जाते हैं तो उसके लिए प्रयास, आई थिंक सो द नेम इज प्रयास, सो ये काम करती प्रयास है प्रयास, या सो दैट नेम, सो वो कंसिस्टेंटली काम करती है। और आज ये बहुत बहुत बड़ी टीम है। और एक है रॉबिन हुड फाउंडेशन, सो वो वहाँ पे आपका फूड लेके जाती है, जो आप एक्स्ट्रा फूड हो आपके पास हो, जो पार्टी हो या घर पे कुछ फंक्शन हो या शादी हो, तो उसका फूड लेके जाती है और गरीबों को, बाकी का फूड और गरीबों को देती है। सो ये यहाँ पे जो वॉलंटियर्स होते हैं, जो ये खुद कभी ना कभी काम कर किया करते हैं, जो अपने बिजी लाइफ में से टाइम निकाल के करते हैं, दैट हैज बीन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और इवेंचुअली दे आर बीइंग मोस्ट बेनिफिटेड बिकॉज दे आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। सो इफ यू आस्क एनी वॉलंटियर दैट आर यू द हैप्पीएस्ट, ही वुड बी द हैप्पीएस्ट, मे बी इन मनी इट वुड बी अप्स एंड डाउन्स, बट इट्स नॉट द नेसेसरी पॉइंट। सो आई एम अ सक्सेसफुल फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये एक स्टोरी है जो ऑथर ने लिखी है कि एक ये ऑथर की एक स्कूल रीयूनियन था, और ये फाइनेंशियल एनालिस्ट है, बहुत सक्सेसफुल है, अपने पास बड़ी गाड़ियां है, उसके घर है, कॉन्डो है, बड़े सिटी में कॉन्डो यानी एक छोटा सा अपार्टमेंट जो बहुत महंगे होते हैं, है, और वो स्कूल में मिलता है अपने दोस्तों से, और वो देखता है कि स्कूल में वही लोग जो हैप्पी है, जो 20 साल के बाद सब मिले हैं, जो एक्चुअली ऐसा नहीं था, जो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल है, जैसे कोई लॉयर हो गया या फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गया या फॉर एग्जाम्पल एक कॉरपोरेट में सीईओ हो गया, पर वही बहुत खुश है जो अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जो उसको हैप्पीनेस क्रिएशन करते रहते हैं। सो अगेन हिज पॉइंट वाज दैट मनी डजंट क्रिएट अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, इट्स द जेनरोसिटी ऑफ द पीपल हु क्रिएट्स लॉट ऑफ हैप्पीनेस, द एटीट्यूड्स ऑफ रेडिकल जेनरोसिटी। सो ये चैप्टर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। सो आई वंस रेड एन इंडियन पैरेबल ऑफ एकांत ईश्वरन स्टोरी। सो ये बहुत बढ़िया स्टोरी है जो अपने वेद से ऑथर ने लिया है। सो एक एक बंदा था, तो जब ही एक्सपायर्ड तो चंद्रगुप्त होते हैं जो अकाउंट रखते हैं सब जगह पे अपने, जब हम एक्सपायर होते हैं जो वो उसने ये बुक ये बंदे का देखा, तो उसका क्रेडिट भी नहीं था, उसने कोई पुण्य भी नहीं किए थे और उसने कोई पाप भी नहीं किए थे, तो अकाउंट उसका टैली था, जीरो था। तो वो कंफ्यूज हो गया कि ऐसा तो कभी होता ही नहीं है कि अकाउंट जीरो हो जाएगा। तो वो तो कंफ्यूज हो गए, तो फिर वो ये केस ब्रह्म के पास लेके गए, ब्रह्म सो जो सृष्टि करता है, सो ब्रह्म के पास लेके, तो ब्रह्म भी परेशान हो गए कि इतने सृष्टि मंडल में ऐसा कोई भी बंदा नहीं देखा है कि जिसका पुण्य भी नहीं हो और पाप भी नहीं हो, मीन जीरो जीरो हो, जीरो जीरो। सो क्या करे क्या करे, तो ब्रह्म ने ऐसा सोचा कि यार ये केस तो है ना एक ही बंदा सॉल्व कर सकता है, वो है कृष्ण। सो वो कृष्ण के पास लेके गए, तो कृष्ण ने सोचा कि यार ठीक है, ये ब्रह्म से नहीं हुआ, चंद्रगुप्त से नहीं हुआ, सो ये कुछ ना तो कुछ तो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको नरक में भी नहीं रख सकता हूँ, ये स्वर्ग में भी नहीं रख सकता हूँ, बिकॉज जो लॉ है वो ये है कि
अच्छा ये मुझे पता नहीं है, ये बुक में से पढ़ के मैंने पढ़ा कि आप जब ऊपर जाते हो तब आपकी बुक खुलती है, बुक खुलती है जिसमें लिखता लिखा होता है कि आपने लोगों के लिए क्या किया, ठीक है, और आपने भगवान के लिए क्या किया। और आपका जो वो क्रेडिट साइकिल में, क्रेडिट साइकिल में अगर आपने भगवान के लिए कुछ कम किया होगा तो चलेगा, क्योंकि वो तो आप उसी के बच्चे हो ना, पर आपने लोगों के लिए कुछ अच्छा किया होगा तो वो क्रेडिट साइकिल बहुत बड़ी आती है, और लोगों के लिए कुछ बुरा किया हो तो वो बहुत बड़ा डेबिट आता है। सो हम जनरली अकाउंट में लिखते हैं ना क्रेडिट और डेबिट। सो ये बंदा है जिसके पास क्रेडिट भी नहीं है, ये बंदा है जिसके पास डेबिट भी नहीं है, जीरो जीरो क्रेडिट है। तो कृष्णा ने एक सोचा कि ये कितना, उसने कितने लोगों के लिए कितना अच्छा किया है जब वो छोटा था तब हम देखते हैं। तो ये उसने फिर उसमें देखा कि भाई उसने एक केस था कि उसके पास 2 पैसा था और किसी ने 2 पैसा मांगा और उसने वही 2 पैसा उसको दे दिया था, और वो जनरोसिटी से उसने क्रेडिट मार्क्स दिया जो इनविजिबल था, लिखा नहीं था उसमें, और ही वॉज प्रमोटेड टू स्वर्ग। सो ये स्टोरी जो है उसमें मेन चीज ये है कि इफ इफ यू हैव लॉट ऑफ क्रेडिट साइकिल विथ यू, इट्स ओनली बिकॉज व्हेन यू डू समथिंग गुड फॉर समवन, राइट? सो होल्डिंग अवर सेल्फ बैक फॉर गिविंग एंड बींग जनरस। सो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है जो ये मेरी सबसे सब में है, आई थिंक सो हम सब में ये है, आई थिंक सो अगर आप में भी है तो आप ये यू नो रेज योर हैंड इज दिस, कि हम कभी ना कभी जनरस होने में हम ऐसा फील करते हैं कि हम चीट हो रहे हैं, कि यार ये लोग बंदा मेरी यू नो जेनरोसिटी का फायदा उठा रहा है, ये मुझे मेरे पास पैसा है ना तो इसीलिए आके मांग रहा है, ये फॉर एग्जाम्पल मैं आज गाड़ी में हूँ इसलिए मेरे पास मांग रहा है। तो ये बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हम ये सोचते हैं, पर ये क्या राइट है या रॉन्ग है? तो मैं ये ऐसे दृष्टिकोण से मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं 10 स्टॉक लेता हूँ पोर्टफोलियो में, उसमें से कितने स्टॉक चलते हैं, तो कि मेरे एवरेजली 3 स्टॉक बहुत अच्छे चलते हैं, 2-3 स्टॉक ओके ओके चलते हैं और 2-3 स्टॉक लॉस करवाते हैं, ठीक है, यही रेशियो रहता है। आपके भी लाइफ में यही रेशियो रहेगा, आप बिजनेस करोगे तो आप आपके 10 में से 3 प्रोडक्ट ही सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं, 3 ओके ओके बनाते हैं और 3-4 लॉस करवाते हैं, तो ये 20-30% रूल सब जगह पे सेम रहता है। तो ठीक है, तो ये रूल है, अगर मेरे पास कोई 10 लोग कुछ ना कुछ हेल्प मांगने आए या सर्व करने आए, हेल्प मांगने आए, तो मैं अगर यही रूल नहीं रख सकता हूँ कि उसको चाहिए तो चलो भाई मेरे पास है तो मैं 20-30% ऐसा एक्सपेक्ट करूंगा कि उसको 10 में से रियली लोगों को चाहिए, 3-4 लोग ऐसे होंगे कि जो मेरा नाजायज फायदा उठा रहा है, और 3-4 लोग ऐसे होंगे जो एक्चुअली मुझे बेवकूफी बना रहे हैं, पर ये पूरे रेशियो में तो भी 3 लोग ऐसे हैं जिस जो जरूर जो रियली नीडेड है, नीड है उसकी, और मैं उसको हेल्प कर रहा हूँ। और दूसरा मुझे ये बुक में से ये भी पता चला कि यू नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हेल्प एंड सर्व। हेल्प ये है कि अगर आप किसी को हेल्प करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे जब नीड होगी तब ये मुझे वापस हेल्प करेगा, तो ये एक्चुअली एक बार्टर सिस्टम है कि भाई मैंने उसकी हेल्प की तो वो भी मुझे हेल्प करेगा जब भी। जैसा फॉर एग्जांपल एक हमारे फ्लैट में होता है वो है डिश सिस्टम, सो आई एम श्योर आपके भी फ्लैट्स में होता होगा कि कुछ अच्छी चीज बनाई होती है ना, तो जनरली जो आपके नजदीक फ्लैट में होते हैं वो लोग को हम डिश भेजते हैं थोड़ा लाइक 5-10% चखने के लिए या उसको टेस्ट, उसको हमको पता है कि भाई फॉर एग्जांपल हमारे विंग जेन हमारे हमारे घर पे रेगुलर फूड बनता है, सो हमारे बहुत सारे फ्लैट में ऐसे चेन है जहाँ पे लोगों को अच्छा लगता है कोई एक फैमिली मेंबर को, पर घर पे नहीं बनता है, तो स्पेसिफिकली माय वाइफ सेंस दैट डिश टू देम बिकॉज दे लाइक इट। सो एक ऐसा भी है वहां पे कि मैंने उस डिश भेजी है तो उसके भी घर से कुछ आएगा, तो दिस इज जनरली हेल्प। बट सर्व ये है कि मैं कुछ दे रहा हूं पर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ सामने कि मुझे कुछ मिलेगा, दिस इज सर्व। सो जनरली जेनरोसिटी इज नॉट हेल्प, जेनरोसिटी इज सर्विंग, एंड इफ यू रियली सर्व राइट दैट इज जेनरोसिटी। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं यार मैं तो कुछ कर रहा हूँ पर सामने मुझे भी कुछ मिलेगा, सो दिस इज जस्ट अ बार्टर सिस्टम यू आर टेकिंग ऑन। सो दिस इज वॉट आई लर्न फ्रॉम द बुक। सो इफ यू हेल्प अदर्स, सॉरी, ब्लेस्ड आर दोज हु कैन गिव विदाउट रिमेम्बरिंग, दिस इज वॉट आई हैव लर्न एंड दिस वॉज अ थॉट विच आई वॉज ट्राइंग टू कनेक्ट विद अ सिंपल लैंग्वेज फ्रॉम एलिजाबेथ, विच उसने बोला है कि ब्लेस्ड आर दोज हु कैन गिव विदाउट रिमेम्बरिंग, मैंने दे दिया मैं भूल गया, तो इफ यू हेल्प अदर्स यू विल बी हेल्प्ड, इज सुनना, इफ यू हेल्प अदर्स यू विल बी हेल्प, अगर आप किसी को हेल्प करोगे आप आपको भी हेल्प मिलेगी, परहैप्स टुमारो, शायद कल, शायद 100 साल के बाद,
but you will be helped. Nature of the business, nature may be, nature must pay off the debt. It is mathematical law of all the life of maths, mathematics. Means life ek maths hai. Aur aap kisi ko help karoge, wo aapki help karega. But I believe the real generosity is not taking help of people, giving help to people, but it is serving the society. You're not leaving. So for example, again, I'm taking my example, don't take, you know, on a humble nature, is that, for example, I'm giving a book review. I don't expect that you give me a book review also for the same. Maybe that is so. But for example, when hum kisi ko, jaise for example, kisi ko help kar diya, to hum aisa kabhi aisa nahi sochte hai ki yaar, wo bhi mujhe aake help karega. So this is something which I've learned from this book. You're not lived a perfect day, even though you have earned your money, unless you have done something for someone who will never be able to repay you. Ye line hai na, ye line to ab main aapko batau, ye bahut badi line hai. So आपने जितना भी आज पैसा कमा लिया, आपने जितना भी कर लिया, पर आपने अगर ऐसा कुछ नहीं किया है जहां पे एक ऐसा चीज जो वो आपको रिपे नहीं कर सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम टुडे ओवर हियर एंड माय वाइफ इज टेकिंग केयर ऑफ द होम एंड माय किड्स आर किड्स. मैं आपके साथ शांति से फोन के बिना बात कर सकता हूँ. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं ये सब पढ़ सकता हूँ बिकॉज माई टीम वर्क्स फ्लॉलेसली बिहाइंड द सीन्स फॉर द कंपनी. इसलिए मैं दिन में, वीक में तकरीबन 3-4 घंटे निकाल सकता हूँ बुक पढ़ने के लिए. सो दिस आर समथिंग विच इज नॉट रिपेएबल. मीन्स ये कि क्या वैल्यू है इसका कि जो फॉर एग्जाम्पल अ मदर टेक्स केयर ऑफ द किड्स वेरी वेल, और मे बी अ टीम मेंबर हु टेक्स केयर के नहीं, दिस इज समथिंग विच इज नॉट अ रेवेन्यू क्रिएशन एक्टिविटी, बट स्टिल वी आर डूइंग एंड आई एम हेल्पिंग यू आउट ऑफ इट. दिस इज समथिंग विच इज एक्सेप्शनल. सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, एवरी टाइम हार्दिक कम्स एंड listens to the book review, some book review he would not be enjoying. Maybe he has his priority of his life, but you know, he does it because he feels then that is something which I can't repay to anyone. So this is something which means kitna bhi kamal ho, aisa kuch hum kar sakte hai ki aisa cheez ki jiska koi mool hi nahi ho. Hum bolte na ki jiska koi mool hi nahi hai. This is something which is exceptional. The practice of radical generosity. So, a story of Zen with a beggar. So, ये बढ़िया story है. एक Zen होता है. Zen यानी monk जो meditation करता है. हमने वो सब देखे ना. Pagodas generally lay में होते हैं. So he was meditating and वो meditating के बाद किसी ने वो कुछ पढ़ रहा था और पढ़ रहा था उसमें देखा उसने कि कितने मर रहे हैं भूख से, कितने लोग का वॉर से मर रहे हैं, कितने लोग ये हो रहा है, ह्यूमन रेस को प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो रहा है. तो वो मेडिटेशन में भगवान को पूछता है कि ये भगवान आपके जो क्रिएशन है उसको ये आप क्यों करवा रहे हो. सो भगवान ने धीरे से उसको आंसर दिया. बुक में लिखा है कि मैंने इसीलिए तुझे क्रिएट किया है कि तू ये अच्छा कर सकता है. सो सर्टन टाइम्स यू नो वी हैव दिस हैबिट ऑफ गिविंग सो मच ऑफ कंप्लेंट्स टू द वर्ल्ड के पर हम क्या कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. यू नो, बहुत लोग बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने वो नहीं किया. दैट्स राइट, मे बी यू आर राइट और रॉन्ग, बट मे बी देर वॉज अ गाय कॉल्ड सोनू सूद हु केम डाउन एंड टोल्ड दैट ठीक है भाई, मुझे नहीं पता है गवर्नमेंट ने क्या किया है, पर आई विल सेंड ऑल द मजदूर, ऑल द लेबर वर्क, ऑल द पीपल आउटसाइड फ्रॉम द सिटी हु वॉन्ट्स टू गो बैक टू द होम ऑन माई कॉस्ट, आई विल सेंड टू द पीपल. फिर लोग जुड़ गए, फिर लोग आए, वो बोले कि हम भी पैसा देना चाहते हैं, हम भी पैसा देना. देयर वाज वन गाय हु टुक दैट डिसीजन. अगर वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक मूवी है माजी, आई थिंक सो, वो जो माउंटेन तोड़ता है उसमें एक डायलॉग है. वो बोलते हैं कि अगर मैं ही, किसको पता है कि भगवान मेरे ही भरोसे खड़ा है. सो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ वी ऑल गेट दैट 1-2% ऑफ गेटिंग बेटर, आई थिंक द वर्ल्ड विल बी ऑन अ बेटर स्टेज. सो स्टोरी ऑफ अ कपल एंड अ फ्रेंड सुई. सो दिस इज अ ब्यूटिफुल स्टोरी. सो देर वॉज अ कपल हु वॉन्टेड, देर वॉज इज 10th anniversary and they wanted to go for Fiji Islands, or Fiji Islands mein wo jane wale the, and they had booked this 3 nights, beautiful romantic night, and all was planned. And then after some time they found out, to uski wife ne usko surprise karne ke liye kiya ye sab cheez, aur uski friend thi Sui. So usne sab kuch bataya ki hum ye karne wale, ye karne wale. After 15 days usko pata chala there was a huge financial problem with them. And because of that, they could not afford to go to Fiji Islands and spend so much of money. तो फिर उसने, उसकी जो friend है सुई, उसने बोला कि ठीक है, तू ये नहीं जा सकती है, पर एक काम कर, you can take a good room nearby in a hotel
एंड यू कैन स्पेंड 2 डेज ओवर देयर एंड यू कैन एंजॉय योर एनिवर्सरी ओवर देयर, और उसमें कुछ खर्चा भी बढ़ा नहीं है. तो उसने बोला हाँ ठीक है, बात तो सही है. सो दे कैंसल ऑल द प्लान एंड दे वेंट देयर. तो शी वॉज नॉट इन द मूड बिकॉज वो इतने बड़े ड्रीम से शी वॉज कमिंग इन टू अ स्मॉल ड्रीम. सो अगर उस वो रूम ने चेकअप किया, चेक इन किया वो रूम ने, और वो उसने एक टैग देखा और वहाँ पे लिखा था कि योर रूम हैज बीन अपग्रेडेड टू अ स्यूट रूम विद अ हॉट टब एंड अदर फूड्स एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट. सो शी वॉज वेरी हैप्पी. And then the next day, they were being greeted with a 2 hours massage therapy, and this was all the surprises which came down. So at the end of the day, she was so confused कि ये hotel तो नहीं कर रही होगी for sure, तो ये कौन कर रहा है? And then she found that her friend Sui did all this stuff because उसके business में वो time पे she was very successful and she wanted to do something for her friend just to make her happy. And she didn't wanted to name it, but because hotel wale ne usko name de diya. So this was an act of kindness, and this was something which was very touched to my heart. That you know, there could be people across who are not as good as your financial condition. They can be close to you, but if there is a radical generosity to for doing good to them, you can do it for them. You just need to allocate some bit of time and good listening for it. One thing I realized after practicing radical generosity is that everyone has something going on that you just can't appreciate. Means aisa sabki life mein hota hai, sabke bande mein, ki aapko ye appreciate nahi hoga. So aap for example ye book review pad rahe hoge, aapko bhi koi ek do cheez pasand nahi aa sakti yaar. That you can't see that holds them back at times. We all have our bad days. Now, when someone comes to me with anger, frustration, judgmental, or knowing it allness, instead of getting combative or reacting, I take a deep breath, smile inside, and give a radical, generous response. Means, सबसे worst चीज मेरे हिसाब से वो है कि when somebody is angry, you are angry. वो तो 100% ये तो ये गलती होने वाला है. Like give you an example. I don't know any of my flat members are listening to this, but we eventually started cricket in our building. So it's cricket is a box cricket, you know, there are 5-6 people having social distancing and playing it. So eventually this was not been told to the main president group, and the president came down and told that, you know, you've not told us, and he was very angry and the stuff like that. And so everything was happening, and then at the end of the day, you know, the best thing was that at that time everybody was so cool and told that yes, that's a mistake and it will not be repeated. If somebody would have gone down onto the lane that, you know, मैंने करना है, मारू घर छे, हूँ करी शकु छु, this case had been the worst case. And that's how it works out. So for example, आपकी life में कोई आ जाएगा, a client or a friend or a family member, he doesn't like anything about you, or maybe he is having bad day at his place, and that is the reason वो आपके ऊपर है. तो मैं I've watched a very good movie which I would recommend you all to watch is Gaul Kheri. That is a Gujarati movie. So that's a philosophy they have that if anybody is very angry, so they have to gargle. Means Gujarati में आपने बोले कोगला करवाना. आपने हिंदी में क्या बोलते हैं उसको पता नहीं है, but this is gargle. So you have a cup of water. So for example, और 10 मिनट तक गार्गल करते रहो तो आपका गुस्सा एकदम शांत हो जाएगा और फिर बात करो. सो अगर फॉर यू कैन यूज दिस मेथड, मींस मैंने तो चालू करना है यूज करना कि कोई भी आए तो उसको गार्गल करने में, अगर गार्गल वो कर ले उसका गुस्सा शांत हो जाए फिर उसके साथ बात करने का. क्योंकि बीच में अगर बात किया ना तो वो अर्थ का अनर्थ होने वाला है. क्योंकि उसमें बहुत बढ़िया एक वर्ड बोला है, जस्ट अ सेकंड. The name of the movie is Gaul Kheri. It is on Amazon Prime, maybe 90%. My wife started. Amazon Prime. It's a wonderful. It's a very light movie, nothing. So this guy says that if you are very angry, the problem with humans are that they don't listen. They only hear. So that's the reason people don't take you right away. So when somebody comes to you and you are extremely angry or somebody is angry, tell them or him or her to do gargle for 10 minutes, 5 minutes, after 15 minutes or one day you talk with him or her.
आई एम श्योर 90% ऑफ द थिंग्स तो बात ही नहीं होगी, बोला है छोड़ देना. सो आई हैड एन एग्जांपल व्हेन वन ऑफ द क्लाइंट कॉल्ड अस एट नाइट, इफ हार्दिक कैन रिमेंबर, ही वाज बिट ड्रंक एंड ही टोल्ड दैट यू नो आई विल किल यू एंड आई विल डू दिस बिकॉज तूने क्रूड में कुछ बोला था और कुछ हो गया. एंड इवेंचुअली ही डिडंट टेक इट द राइट वे आई वाज हैड बीन टोल्ड एंड आई टोल्ड ओके फाइन फाइन इफ यू वांट टू किल दैट्स ग्रेट यू किल मी टुमारो. So and eventually I don't know what happened. He didn't call then again. The next day he called up for sorry, and he told that okay fine, I didn't knew what I was talking for, and I'm extremely sorry. It was my mistake. But at that time, if the things would have gone worse, maybe he would have come to kill me only also. So you know that's the how the things work. So being calm is also being generous. What one does is about what counts and not what one has the intention of doing. Means जो करते हैं उसी का रिकॉर्ड होता है, जो इंटेंशन होता है उसका कुछ रिकॉर्ड नहीं होता है. So this is something a piece of advice. How to practice the radical generosity? The next time you find yourself doing something generous for someone else, this is also one thing which I've learned and that is fantastic. Also do something nice for yourself. Most of the time we are not generous for ourselves only. That happens with me. I am not at all generous with myself. Means आप कोई किसी ने बोल दिया कि नहीं यार अभी इतना काम कर लिया है कर लो. I think so. You know, I yesterday the presentation was you know not made till maybe one. So we had some flat members came and we were just discussing and chit chatting. And then I at 12:30 or one we all ended the meeting. At one I did the stuffs and. Then I slept because I had this always the point that you know I would not wait for tomorrow to be done because you know presentation has to be made. It's a commitment. Maybe this is what I've learned that if you are generous to someone else, be generous to yourself also. Like you know it could be something like you listen to your best friend complain about her marriage for 45 minutes. Means आपने किसी की listening किया वो भी बहुत बड़ी generosity है. So now you will listen to yourself with equal. Attention by writing in your journal for 45 minutes means आप अपने लिए कुछ भी करो. उसमें book में लिखा है कि जैसे for example अगर किसी को आपने किसी को अच्छा खाना खिलाया you are happy और अगर आपको लगता है कि यार मुझे को भी एक small pie of cake खानी है तो आप जाके खा लो and you be generous to yourself also because if you have done something good for you it's always good to do something good for yourself also. For one day focus on something you can appreciate about someone you don't like. This is one practice has been told means आपको कोई तो ऐसा दो तीन लोग होंगे जिसको आप एकदम आपको लगता है कि यू नो यू नेवर लाइक देम ओनली सो राइट देम. सो आई थिंक सो दिस इज व्हाट सीक्रेट हैज टोल्ड यू नो व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम विद अ पार्टनर और अ फैमिली मेंबर और अ स्पाउस और किड और पेरेंट्स और मे बी क्लाइंट स्टार्ट राइटिंग गुड अबाउट देम फॉर नेक्स्ट वन मंथ एवरी डे वन पॉइंट अबाउट दिस वन मंथ एंड आफ्टर 30 डेज 90% ऑफ द टाइम यू विल स्टार्ट लविंग दैट पर्सन. And send this to them that, you know, these are the 30 things which I love about you. And they will also start loving them. So that's something which has been exceptionally well. Buy a blank food and for a month, blank book and for a month, write down every compliment or thanks someone offers you for something that you have done. Means ये मेरे साथ ये मेरे हिसाब से ये जब हम करते हैं तो बहुत लोगों का मैसेज आता है कि यू नो यू चेंज द थिंग थैंक यू फॉर डूइंग दिस थैंक यू फॉर दिस थैंक यू फॉर दैट बट हाउ मच टाइम वी हैव अकाउंटेड इट. और किसी ने अगर कंप्लेन कर दिया तो वो अकाउंट हो जाता है माइंड में कि नहीं यार इसने कंप्लेन किया. बट वेन वी स्टार्ट राइटिंग ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स अबाउट यू नो यू गेटिंग लाइक फॉर एग्जाम्पल डे बिफोर यस्टरडे वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड दैट यू नो योर हिंदी हैज स्टार्टेड इम्प्रूविंग अ लॉट. And because she met me after 2 years down the line, or maybe she had heard me after 2 years. So it was a compliment, but I never had a register for, you know, having the compliment. So in companies also, we have only mistake registers. You know, how many company has that there have been, you know, compliment register that people come and write a compliment for you. You know, very few companies, you know, we have this suggestion box in a lot of company I watched. But is there a compliment box also, which is open for all that we can write a compliment down there and you can read that, you know, what is the compliment about it? I think so. We can start in our company having a compliment box. So there is a chit over here and you can put a compliment over it. And I think so, Hardik or Vibhati, if they are listening, you are listening. We can think in next week to, you know, execute it because it's also something which is very good. Or maybe, for example, most of the time people come down in our office and tell that this is the best office I have ever seen.
ધેટ્સ ફેન્ટાસ્ટિક યુ નો ઇટ 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 એમ એવું લાગે કે પૈસા વસૂલ થઈ ગયા છે એમ પણ હાઉ મચ ટાઈમ વી રજિસ્ટર ધેટ થિંગ એન્ડ ધેટ ઇઝ એક્સેપ્શનલી ઇમ્પોર્ટન્ટ થાઉઝન્ડ્સ ઓફ કેન્ડલ્સ હેડ બીન લાઇટેડ ફોર અ સિંગલ કેન્ડલ એન્ડ ધ લાઈફ ઓફ ધ કેન્ડલ વિલ નોટ શોર્ટન હેપીનેસ નેવર ડિક્રીઝિસ બાય બિંગ શેર સો બુદ્ધ સેઝ ધીસ દેટ એક કેન્ડલ સે થાઉઝન્ડ ઓફ કેન્ડલ બન સકતી હૈ ઓર અગર વો થાઉઝન્ડ કરતી હૈ તો વો એક કેન્ડલ થી રોશની કમ નહીં હોતી હૈ ઉસસે ઝ્યાદા રોશની ઝ્યાદા હોતી હૈ સો વેન યુ લાઇટ અ કેન્ડલ વિથ વન કેન્ડલ ધ એકચ્યુઅલી ધ ફ્લેમ ગોઝ મોર બિગર ઇફ યુ હેવ સીન દેટ એન્ડ દેટ્સ ઓલ અબાઉટ બિંગ જનરસ ધ સ્ટોરી ઓફ પ્લેસ ઓનો દેર ઇઝ અ પ્લેસ કોલ ઓનન ડાગા સો ઉસમે એક પ્લેસ હૈ જહાં પે જો યંગસ્ટર હોતે ઉસકો ઇતના ખિલાયા જાતા હૈ ઇતના ખિલાયા જાતા હૈ સબ ઉસકી ફેવરેટ ડિશ ઓર બાદ મેં બહુ લોકો બોલતા હૈ કે ભાઈ મુજે ખાના ચાહીએ તો વહી ફેવરેટ ડિશ ઉસકો લોગો કો દેની હૈ દે ટીચ ધ આર્ટ ઓફ જનરોસિટી ટુ પી ઇન ધ સોસાયટી સેમ ચીજ ઉસકો બહુ સારી કપડે અચ્છે અચ્છે દિયે જાતે હૈ અચ્છે અચ્છે કપડે દિયે જાતે હૈ ફિર લોગ બોલતે હૈ કે ભાઈ મુજે કપડે ચાહીએ બહુ બહાર કે લોગ જો ગરીબ લોગ હોતે હૈ ઓર વહી કપડે વહી વો દે દેતા હૈ બીકોઝ ઉસકો તો મિલ ગયા અભી ઉસકો કિસી કો દેના હૈ સો દિસ વોઝ અ વેરી ગ્રેટ એક્ટ ઓફ kindness and generosity which was being taught in Onondaga if I pronounce it right the practice of radical generosity for a week try asking yourself this question before you go to sleep at night how are my thoughts words and deeds affecting my friends my spouse my neighbors my child my employer my subordinates my fellow citizens notice what your response is and let's what's whatever true for you be okay So generally this was a very big question to me which I have this was been answered by spirituality मुझे ऐसा लगता था कि यार अपने को ऑनेस्ट तो होना ही चाहिए मीन्स किसी को फॉर एग्जाम्पल समबड़ी इज नॉट डूइंग राइट यू हैव टू गो एंड टेल दैट यू नो बॉस यू आर नॉट डूइंग राइट यू आर नॉट लुकिंग हेल्दी बट देन आई फाइंड दैट यू नो इट इज हिज पॉइंट ऑफ टाइम द व्हाई यू बी ऑन टू दैट जोन सो दिस इज वेरी पर्सनल मीन्स लाइक आई गॉट दिस आंसर फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी इज दैट इफ यू रियली वॉन्ट टू डू समथिंग गुड फॉर हिम और हर आइदर गिव देम गिव हिम और हर एन आइडिया ऑफ वॉट यू आर डूइंग रेदर देन कॉमेंटिंग ऑन इट or you pray for him or her like for example if you really find this person is not healthy is keeping on weight are you giving him a book to put a point that you know you can read this book and it can help you giving a gym membership something like that which is actionable rather than you know you just commenting on him or her that you know it is not doing great or maybe for example if somebody is not right on his financial position or maybe somebody is not you know whatever it can be so I have an example so I went to a friend's office and his washroom was so bad that I cannot tell what is the level of badness onto that washroom so the one thing I told that you know except telling that you know that washroom is not good or maybe you know you're not keeping your washroom healthy rather than I did an Amazon order of two Harpic packs to him and never named it who did it so I don't know what he did for it but I think so eventually you need to work out onto the solutions or maybe you need to pray for him and that's how it works out so this is what the way I have got out of it though I'm not doing 100% I'm not following 100% somewhere across I be very brutally honest and it is very hard words but I'm sure I will improve down the line even the thought of giving the thought of blessing or a simple prayer have the power of affecting a lot of others this is what I tried to tell is Deepak Chopra so this is the last slide and which says the stages of giving so what are the stages of giving so first stage is that you give what you have a bit of what you have like for example you have 100 rupees somebody comes and tells that bhaiya 5 rupees doge aapko lagega ha theek hai main 5 rupees de sakta hu mere paas 100 rupees hai to still mere paas 95 rupees hai I am happy with it I can give a part of it a bit of it because I don't need as of now that or maybe for example you're going for a restaurant and somebody comes and tells that you know I want to have some food आप उसको बोल दो कि हाँ ठीक है आप पाव भाजी ले लो बिकॉज आपको पता है कि मैं इतना फूड खा रहा हूँ मैं पाव भाजी दे सकता हूँ और उसको और उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पाव भाजी इज एन एग्जांपल आई एम टेलिंग सेकंड स्टेज इज आई हैव दिस एंड यू कैन ऑल्सो हैव दिस सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये चीज है तू भी ये चीज ले सकता है सो दिस इज द एक्ट ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ गिविंग एंड द थर्ड स्टेज ऑफ गिविंग इज रॉयल गिविंग मीन्स मेरे पास ये है तू लेके जा there is a movie scene of a movie called Gold if you have watched Akshay Kumar's movie
where this guy who is the hockey player, he's from a royal family, he's the prince. And Akshay Kumar and that guy, I don't remember his name. He was in Dabang onto the second role after Salman Khan, very popular actor. So he does this. He gives there is a beggar sitting on the road, and he gives all his clothes and everything to him. And he comes and drive off the car. I think so. This is the last stage and the most important stage of giving, that you have it. That person needs what you have it, and you give it all just because he needs more than what you need. And that's, I think so, is on stage third of giving. These are five books. This has been recommended by the author in the it's not recommended. They have talked about this book, Random Act of Kindness, Attitude of Gratitude, 365 Health and Happiness, Writing Your Life, The Courage to Give. So if you are interested, you can read these five books more for getting more onto the act of generosity. So the next book review is on 13 June, is on 11:11 a.m. If you are using a Telegram channel, I would request you to join our channel, that is Turtle WM, which is already listed over here. Of course, this would be your, if you're following Twitter, you can go for Rohan Mehta underscore 99. And on YouTube also, we put this on. Eventually, we try this to make this on a different topic that will make us more better as a human, that can work out into four stage of life. That is spirituality. I think so. Generosity is a part of spirituality, health, wealth and wisdom. And last is, it's not into any order. It is just last is social, family and relationship. I think so. If we can work more into these four areas of our life, we could be much more better, happy human being than ever. That's it from me. If you have any questions, would be happy to answer, or we can end up over here. So there is a question in chat if you can answer that. Can't see the new slide. Can see the slide. No. It was what author says for arguments. When someone is angry, you keep quiet because of fear, or it's totally a different issue. So what author says for argument, when someone is angry, you keep quiet because of fear, or it is so generally when somebody is angry, there can be a different reason for it. So generally, because I live with three females, so two daughters and one wife. So most of the time I feel that generally they are angry because either they are hungry, or they have not got good sleep. So generally, when they are angry, you don't talk at that time, because that's the time if you talk, they are not going to listen. They're just going to hear, and things will go more adverse. And you know what happens is that when somebody is very angry and you don't revert, they get more angry actually. So you don't have to be on that zone also. You have to listen. You have to listen. You have to listen. You have to have keep calm. And this gargle philosophy works fantastic. So if you really feel so that this you can use this gargle philosophy. So it's not about being quiet or being fearful, but just because you don't want to get that situation more bad. It's already bad. It's already 50% bad from your end, just because that person is very angry. So now if you are also angry, that 50-50 goes, 100% situation goes worse, and the solution never comes most of the time. So it's better you be quiet, and you know the things will come. You talk after a day or a week or after 5 hours or maybe after 15-20 minutes. That keeps things calms. And once this person is not is into the listening mode, when you talk about that, the solution will actually eventually come, rather than you know just talking and getting your frustration out. Yeah, thank you. Any other questions, or somebody can raise the hand, we can have a talk on that. I think so. We don't have any questions. So what we will do is that if no, there is no questions, right? So thank you for listening to us. We will come down into the next week again. I hope this book has changed your thought process. If you think this book review works out, so whenever you get an invitation, you share more to people, so more our people can be benefited out of it. Thank you. Have a good weekend.